कस्टमर इज द किंग बोलते हैं ना कि वो दोबारा जब आएंगे ना तो दो चार लोग को और लेके आएंगे उस चीज के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा रियल होलसेलर की जो पहचान होती है बिजनेस करना चाहते हैं आप लेकिन बिजनेस में नुकसान से बहुत ज्यादा डर रहे हैं ये चिंता हमेशा सताती रहती है क्या बिजनेस सफल होगा कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा अगर बिजनेस में ये डर से ये नुकसान से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा बीच में स्किप मत कीजिए क्योंकि हो सकता है ये एक वीडियो आपका नजरिया बदल दे आपको एक कॉन्फिडेंस दे दे कि कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कैसे अपना व्यापार आप बढ़ा सकते हैं बिना नुकसान किए आप कैसे हमेशा टिक सकते हैं देखिए बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल हर दूसरा इंसान छोटा सा अमाउंट लेके बिजनेस स्टार्ट कर देता है लेकिन टिक कितने लोग पाते हैं छ महीने आठ महीने एक साल एक साल के बाद पता चलता है कि वो तो बिजनेस ठप हो गया है वो बंद करके वापस नौकरी पे जा रहे हैं तो ऐसा अगर नहीं करना है अगर हमेशा टिक के रखना है टिके हुए रहना है अगर आपको बिजनेस में व्यापार में तो आज मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा बिजनेस में देखिए नुकसान कब होता है नुकसान तब होता है जब आप बिना सीखे बिना कुछ जाने आप एंटर कर जाते हैं बिजनेस में अब मैं बिजनेस में बिजनेस देखिए बहुत तरीकों का होता है लेकिन आज मैं कपड़ों के व्यापार के बारे में कपड़ों के बिजनेस के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कपड़ों का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जो हमेशा बहुत अच्छा चलता है लेकिन चलाने वाला चाहिए चलाना ऐसे होता है आप अगर घर पे बैठे हैं आप नौकरी कर रहे हैं और आपके मन में एक दिन आया कि मुझे अपना खुद का व्यापार करना है लेकिन करना कैसे वो आपको नहीं पता होता है आपको वो जानकारी जो है ना वो जानकारी लेनी पड़ेगी आपको जानकारी कैसे मिलेगी जानकारी ऐसे मिलती है अगर आपको कपड़ों का व्यापार खोलना है आपके आजू बाजू में जो भी दुकानें हैं वहां जाइए वहां देखिए क्या टेस्ट चल रहा है हर गांव में हर सिटी में हर कस्बे में हर जगह पे अलग अलग टेस्ट होता है वेस्ट बंगाल में कॉटन साड़ी ज्यादा चलती है यूपी बिहार में जॉर्जर चिफोन ज्यादा चलती है अगर आप बंगाली साइड जाते बंगाल साइड जाते हैं अलग साड़ियाँ चल रही है साउथ साइड जाएंगे तो कांजीवरम ज्यादा चलेगी सिल्क ज्यादा चलती है हर जगह का टेस्ट अलग होता है इतना ही नहीं स्टेट के अलावा अगर अब एक छोटे छोटे सिटी को भी पकड़ेंगे एक एरिया को भी पकड़ेंगे हाई पोज एरिया है वहाँ की डिज़ाइनर साड़ी ज़्यादा चलेंगी वहाँ प्रिंटेड साड़ी या सस्ती साड़ियाँ नहीं चलती हैं अगर आप कोई छोटे से गांव के बाजू में रहते हैं या फिर आपका जो एरिया है थोड़ा मध्यम वर्ग वाला है मीडियम वर्ग वाले लोग जहाँ पे रहते हैं अगर ऐसा है तो आपको वहाँ पर लो रेंज की साड़ी रखनी होगी वहाँ पर हाई रेंज नहीं चलेगा ये सारी जानकारी आपको पहले लेना होता है ऐसे ही खाली आपके मन में आया आपको बिजनेस करना है और आपने एक ऐसी पूंजी उठाई और आप खाली करने चले जाओगे तो नहीं चलेगा वो चीजें सफल नहीं हो पाएंगी एक बजट लीजिए बजट आपने ले लिया कि चलिए मान लीजिए मेरा आज पचास हजार का एक बजट है और मुझे करना है बिजनेस अब मैं बिजनेस करना चाह रही हूं और मुझे अपना दुकान खोलना है तो मुझे देखना पड़ेगा ये चीज कि मेरे एरिया में वैसी कौन कौन सी दुकान है जो मुझे टक्कर देने वाली है वो आपको एक बार देखना होगा सबसे ज्यादा कौन सी दुकान पे भीड़ है वो आपको चेक करना होगा और उस दुकान पे भीड़ क्यों है उसका पता लगाना होगा ऐसा कोई तो बात होगी कि सारी दुकानों में उसकी दुकान ज्यादा चल रही है अगर आप वो क्रैक कर लेते हैं अगर आप वो जान लेते हैं तो वही क्वालिटी आपको अपनी दुकान में रखनी होगी आपने अपना दुकान खोला तो अगर आप अपना दुकान खोल रहे हैं तो अगर आप सोचेंगे कि मैं खाली आ, सस्ती साड़ियां रखूंगा तो नहीं चलेगा हो सकता है कभी थोड़े से आ, अच्छे कस्टमर्स आए जिनको थोड़े हाई रेंज में साड़ी चाहिए हो एक ही क्वांटिटी एक ही डिजाइन या एक ही प्राइस रेंज में ज्यादा क्वांटिटी मत लीजिएगा पहले आपको नहीं पता है कि कौन सी साड़ियां सबसे ज्यादा चलने वाली हैं आप प्रिंटेड साड़ी थोड़ी रख लीजिए थोड़ी आप जॉर्जेट रख लीजिए थोड़ी जिमी छू रख लीजिए थोड़ा सा आपने आ, अगर गुजरात साइड है तो गुजरात साइड में पटोला ज्यादा चलती है मंदेज चलती है आप वो रख सकते हैं अगर आप साउथ में कहीं पे हैं तो आपको सिल्क रखनी पड़ेगी वो सारा एक टेस्ट रखना रहता है तो ऐसी थोड़ी थोड़ी साड़ीज आप लोग को रखनी होती है ताकि कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पर आए तो खाली हाथ न जा पाए अगर उसे घर में पहनने के लिए अगर साड़ी चाहिए तो भी आपके पास होनी चाहिए अगर वो शादी में पहन के जाना चाहे तो भी साड़ी आपके पास होनी चाहिए अब आप सोचेंगे मैम इतना सारा बजट बजट तो हमारे पास है है ही नहीं छोटा सा है, ये सारी, सारी कैसे आ सकती है लीजिए ना थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पहले मत जाइए आपने साड़ियां ले ली ठीक है अब उस पर मार्जिन अगर आप लगाना चाहते हैं एक चीज हमेशा याद रखिएगा क्वालिटी जो बनाता है वो हमेशा दिखता है जो दिखता है वो बिकता है ये आपने हर जगह सुना होगा तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो आप जो साड़ीज दिखाने वाले हैं अपने कस्टमर्स को वो कस्टमर बार बार आए तो आपको क्वालिटी पे हमेशा फोकस करना होगा बिना क्वालिटी के फोकस किए आप नहीं टिक सकते हैं मार्केट में सस्ते के चक्कर में दो बार तीन बार हो सकता है कस्टमर आ भी जाए कि भाई इधर पचास रुपए की कुर्ती मिलती है मैं आऊंगा पचास रुपए कुर्ती लेके चला जाऊंगा लेकिन वो एक बार जब वो पचास रुपए कुर्ती पहनेगा आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ कितने दिन वो पचास रुपए की कुर्ती चलेगी इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है एक बार उसने आपके दुकान के प्रोडक्ट्स अगर पहन लिए तो उसे क्वालिटी अपने आप पता चलने वाली है और वो हमेशा आप ही के दुकान से जो भी साड़ीज आप बेच रहे हो या फिर लहंगा हो या फिर कुर्तीस हो कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो आपके यहाँ से ही लेके जाने वाला है तो इसीलिए आपको फोकस करना होगा क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी ही एक ऐसी चीज है जो सारे दुकानदारों से आपको बेहतर बनाने वाली है आपको अलग बनाने वाली है क्वालिटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है अब एक और चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी कि क्वालिटी हमने देख लिया एरिया भी हमने देख लिया अब यूट्यूब की चार वीडियो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या वीडियो में क्या कहाँ कहाँ सस्ती साड़ियाँ मिल रही हैं फिर सस्ते के चक्कर में आप जा रहे हैं सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है आप यूट्यूब से अगर देख के बनाएंगे कि आ, क्या बजट बनाना है पचास हजार का बजट बनाना है कि तीस हजार का बजट बनाना है वहां पर तो आपको कुछ भी दिखाया जा रहा है कि भाई इतने में साड़ी है उतने में साड़ी है उस हिसाब से बजट मत बनाइए बहुत बार आप आप जो भी भाई बंधु हैं हमारे जो भी ये हैं या फिर जो भी खाली व्यूअर्स हैं हमारे जो अभी देख रहे हैं वीडियो उनके माइंड में ऐसा बहुत बार आया होगा या फिर उनके साथ ऐसा हुआ होगा कि वो लोग पचास हजार का बजट लेके जाते हैं परचेजिंग करने लेकिन एक लाख रुपए का बजट बन जाता है अगर ऐसा हो रहा है तो आप सही जगह जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप यूट्यूब से देखा हुआ बजट बना के जा रहे हैं लेकिन जब आप लेने जाएंगे मार्केट में रियल प्रोडक्ट जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पचास रुपए का कुर्ती दे रहे हैं पचास रुपए का साड़ी दे रहे हैं अरे वो साड़ी वो फैब्रिक आप खुद नहीं पहनोगे आप अपने परिवार को नहीं पहना सकते हो आप कस्टमर को कैसे बेच सकते हो ये बिल्कुल भी नहीं भूल रहा है कस्टमर इज द किंग बोलते हैं ना वो चीज गलत नहीं होती है कस्टमर हमारे लिए राजा है क्योंकि कस्टमर अगर आ रहा है उसको अगर पसंद नहीं आई उनको अगर वो चीजें नहीं पसंद आएंगी तो हमारा बिजनेस करना व्यर्थ है कस्टमर्स बनाइए रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना है आपको अच्छे से शांत व्यवहार से प्यार से उनसे बात करना होता है कस्टमर बिगड़ने नहीं चाहिए एक कस्टमर आ रहा है उनसे ऐसा रिश्ता बनाइए वो दो लोग को और लेके आए आप अगर सोच रहे होंगे कि मार्केटिंग कर लेंगे हम एडवर्टाइजमेंट कर लेंगे या फिर आ, किसी और मीडिया से अगर आप सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया से अगर आप कस्टमर्स लेके आ पाएंगे वो तो एक चीज है ही आजकल का जमाना इतना आगे बढ़ चुका है कि वो सारी चीजें भी यूज होती है लेकिन एक कस्टमर को अगर आप खुश करते हैं ना तो दो जाके दो चार कस्टमर को लेके आएगा चार ऐसे लोगों में जाके आपकी अच्छी बातें बताने वाले आपके कंपनी के बारे में आपकी दुकान के बारे में ऐसी तारीफ करेंगे कि वो दोबारा जब आएंगे ना तो दो चार लोग को और लेके आएंगे तो आपको इस तरीके का व्यवहार बनाना है देखिए कंपटीशन बहुत है आज के मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि टिक पाना बहुत मुश्किल है चालू बिजनेस कर लेंगे लेकिन टिक नहीं पाएंगे अगर आप अपना दबदबा नहीं बना पाएंगे अपना दबदबा बनाने के लिए आपको कस्टमर को अच्छे तरीके से ट्रीट करना है ऐसे बहुत सारे ऐसे भी हमारे हमने भाई बंधु देखे हैं जो बिजनेस स्टार्टिंग में अच्छा चलने लगता है उनका तो उसके बाद फिर उन लोग रिलैक्स हो जाते हैं कोई बचत नहीं है जितना आ रहा है उतना उड़ा दे रहे हैं ऐसा नहीं करना है हर दिन दिवाली नहीं होती है कस्टमर्स आप बना रहे हैं सही बात है लेकिन हर बार वो आगे दस हजार लेके जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है कुछ साल में कुछ ऐसे समय भी होते हैं जब आपकी बिक्री थोड़ी कम हो जाती होगी उस चीज के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा पेशेंस इज द की अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे बिजनेस में धैर्य नहीं रखेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा बहुत लोग ऐसे हैं चार दिन हफ्ता भर अगर दुकान में अगर बिक्री नहीं होती अच्छी तो वो देर हार के बैठ जाते हैं कि मेरा तो धंधा ढप हो गया है मेरी सारी जमा पूंजी चली गई तो ऐसा नहीं करना है सुधार करने की हमेशा कोशिश करते रहिए पेशेंस रखना है खुद पे विश्वास कीजिए सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपको रखना होगा कि आप बिज़नेस चला पाएंगे अगर अच्छे प्रोडक्ट्स रखेंगे अच्छी तरीके से कस्टमर्स को ट्रीट करेंगे तो कस्टमर क्यों नहीं आएंगे और आप अब सोच रहे होंगे कि भाई ये सारी चीजें हो गई अब ऐसा कोई आप जहां से सामान खरीदने जा रहे हैं जहां से आपको जो भी चीजों का आपको व्यापार चालू करना हो चाहे फिर वो कुर्ती हो चाहे फिर लहंगा हो साड़ी हो फैब्रिक हो या गाउन हो अगर आप इनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट का भी अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगा कि मैन्युफैक्चर रिटेलर से लेने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि अगर आप छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन अगर आप रिटेलर से लेके जाएंगे तो आपको महंगा ही पड़ने वाला है तो इसीलिए महंगा आपको ना पड़े इसीलिए आपको जुड़ना होगा होलसेलर से अब देखिए होलसेलर है ना बोलते बहुत लोग हैं लेकिन रियल होलसेलर जो होते हैं ना रियल होलसेलर की जो पहचान होती है वो ये होती है कि जब आप उनके फर्म में जाएंगे तब आप उनके पास ऑन द स्पॉट एनी टाइम इतनी सारी वैरायटी आपको देखने मिल जाती है चाहे वो अगर आप साड़ी में देख रहे हैं तो साड़ियों में आपको बहुत सारी साड़ी देखने मिल जाती है या कुर्ती देख रहे हैं तो कुर्ती में आपको बहुत सारी वेरायटी देखने मिल जाती है वो होते हैं रियल मैन्युफैक्चर और क्वालिटी में डील करना होगा आपको मैन्युफैक्चर से जुड़ना होगा तब जाके आप ये सारी चीजें कर पाए